उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस द्वारा आरोपी पर बड़ी कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी ने ढोल ताशे के साथ पुलिस टीम को आरोपी के स्कूल और घर ले जाकर उसकी 3,38,00,000 की संपत्ति को जब्त करा लिया। आरोपी धर्मेंद्र भटनागर पर 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप है। इसके अलावा लॉकडाउन के समय उसके द्वारा अपने बंद पड़े स्कूल में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को मिली तो पुलिस टीम ने स्कूल में छापेमारी की थी, जिसमें भारी संख्या में अवैध शस्त्र मिले थे और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए थे। मुरादाबाद पुलिस की इस साल की ये सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। भटनागर नाम का अपराधी है जो शिक्षा माफिया है, जिसने शिक्षा के नाम पर शिक्षण संस्थान चला के किसी स्कूल में अवैध लॉकडाउन के दौरान शस्त्र फैक्ट्री चलाई थी और छात्रवृत्ति के 2 करोड़ रुपए करीब उसने गबन किया था। उसी पैसे से उसने काफी अकूत संपत्ति, स्कूल कॉलेज, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कर लिया था। तो अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके के संगठित गिरोह बनाकर जो अपराध कर रहे हैं उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय प्रणाली के तहत न्यायिक कार्रवाई करते हुए इस स्कूल को जब्त किया गया सरकार द्वारा। भविष्य में यह स्कूल और भी उसके स्कूल और मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। यह एक सीख है ऐसे अपराधियों के लिए जिनके दिमाग में यह गलतफहमी रहती है कि अपराध करके हम संपत्ति एकत्रित कर लेंगे और जमानत कराकर घर आ जाएंगे। तो शासन प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में सभी के लिए यह चेतावनी है, यदि कोई इस तरीके का अपराध कारित करेगा, उस जो भी संपत्ति अवैध रूप से एकत्रित की जाएगी सरकार द्वारा जब्त की ली जाएगी और शीघ्र ही इन पर ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए यह संपत्ति और सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से जब्त कर ली गई है। अब ये सरकार के अंदर में रहेगी, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भटनागर नाम का अपराधी है जो शिक्षा माफिया है, जिसने शिक्षा के नाम पर शिक्षण संस्थान चला के किसी स्कूल में अवैध लॉकडाउन के दौरान शस्त्र फैक्ट्री चलाई थी और छात्रवृत्ति के 2 करोड़ रुपए करीब उसने गबन किया था। उसी पैसे से उसने काफी अकूत संपत्ति, स्कूल कॉलेज, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कर लिया था। तो अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके के संगठित गिरोह बनाकर जो अपराध कर रहे हैं उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय प्रणाली के तहत न्यायिक कार्रवाई करते हुए इस स्कूल को जब्त किया गया सरकार द्वारा। भविष्य में यह स्कूल और भी उसके स्कूल और मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। यह एक सीख है ऐसे अपराधियों के लिए जिनके दिमाग में यह गलतफहमी रहती है कि अपराध करके हम संपत्ति एकत्रित कर लेंगे और जमानत कराकर घर आ जाएंगे। तो शासन प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में सभी के लिए यह चेतावनी है, यदि कोई इस तरीके का अपराध कारित करेगा, उस जो भी संपत्ति अवैध रूप से एकत्रित की जाएगी सरकार द्वारा जब्त की ली जाएगी और शीघ्र ही इन पर ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए यह संपत्ति और सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से जब्त कर ली गई है। अब ये सरकार के अंदर में रहेगी, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना इलाके में स्कूल में संचालित अवैध फैक्ट्री संचालक पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। कोरोना विश्व महामारी में देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसका फायदा उठाकर स्कूल संचालक ने अपने स्कूल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी मुरादाबाद पुलिस को हुई तो पुलिस ने कार्यवाही करते हुए स्कूल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्कूल में भारी संख्या में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। फैक्ट्री संचालन के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई थी। मुरादाबाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र भटनागर की संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की है। थाना प्रभारी डिलारी ढोल ताशे के साथ आरोपी के स्कूल पहुंचे और स्कूल की संपत्ति को जब्त करते हुए वहां पर नोटिस लगा दिया। पुलिस द्वारा आरोपी के कुल 3,87,00,000 की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें उसके स्कूल, बैंक खाते और 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं। अभ्यस्त अपराधियों, शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना डिलारी में माह अक्टूबर में धर्मानंद भटनागर
नामक व्यक्ति की एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी जो उसके विद्यालय में संचालित हो रही थी। उसी के क्रम में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज डिलारी पुलिस ने उसकी 3,37,32,000 की संपत्तियों को जो उसने अवैध तरीके से अर्जित की थी, और ये अवैध शस्त्र जो वो पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपनी फैक्ट्री में बना रहा था, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्तियों का जब्तीकरण किया गया है।